हम सबका जिंदगी जीने का तरीका एक दूसरे से काफी अलग होता है। कभी हम अपनी मर्जी को सबसे ऊपर रखते हैं तो कभी दूसरों की इच्छाओं के नीचे दबकर रह जाते हैं। लेकिन दिक्कत आती है जब ये फैसला हमारे हाथ में ना होकर कोई दूसरा हमारे लिए करता है, तब आज़ादी पाने के लिए बागी बनना हमारी मजबूरी बन जाती है। आप बोलेंगे कि ऐसी भी क्या आज़ादी चाहिए कि आप दुनिया के नियम कायदों को ही झूठा साबित करने पे तुले हुए हैं। तो भैया, सपनों की जो असली कीमत होती है वो उसको चुकाने वाला ही समझ सकता है। वैसे भी इस दुनिया का दस्तूर है कि अपना हक सिर्फ मांगने से नहीं, छीनने से मिलता है। नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं मोटिवेशनल स्पीकर बिल्कुल नहीं हूँ। दरअसल ये जोश वाली बातें एक ऐसी फिल्म की वजह से बाहर निकल आई हैं जिसकी कहानी हम सब के अंदर छुपी हुई है। बस तलाश है तो एक ऐसे मौके की जो हमारे अंदर बैठे हुए सुपर हीरो को बाहर खींच सके। इस सिलसिले की शुरुआत हुई 2016 में जब टाइगर श्रॉफ बागी बनकर बॉलीवुड के ऊपर बरस गए थे और एक्शन के मामले में हमारी इंडस्ट्री को एक नई पहचान दिलाई थी। फिर 2018 में लड़ाई थोड़ी कठिन हो गई थी जब मनोज वाजपेयी ने उनका रास्ता रोक लिया था। लेकिन अब 2020 में लड़ाई एकदम आर्या पार वाली होने वाली है, क्योंकि इस बार बागी की जंग सिर्फ लोगों से नहीं बल्कि पूरे देश से होने वाली है। एक ऐसी सोच से लड़ना पड़ेगा जो इंसानों को सबसे नीचे और अपने लालच और फायदे को एकदम टॉप पे रखती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीक्षा, वेलकम टू ट्रेलर रिव्यू ऑफ बागी 3। फिल्म की थीम इस बार टेररिज्म जैसे सेंसिटिव इशू के ऊपर बेस्ड होने वाली है। एक ऐसा श्राप जिसने पूरी दुनिया को तहस नहस करके रख दिया है, जिसका इलाज ढूंढना काफी जरूरी है। फिर बात चाहे असलियत की करो या फिर फिल्मी पर्दे की, किसी को तो हीरो बनना ही पड़ेगा। और इस बार ये हीरोपंती करने वाले हैं टाइगर श्रॉफ, जो 2019 में पहले ही एक बार वॉर लड़ चुके हैं और दुश्मन को कड़ी टक्कर भी दे चुके हैं। फिल्म में उनका साथ देने वाली है श्रद्धा कपूर, जो इससे पहले 2016 में बागी सीरीज की फर्स्ट फिल्म में भी उनके साथ नजर आई थी और टाइगर को कंपटीशन देते हुए उन्होंने भी दुश्मनों पे लात घूसे खूब बरसाए थे। लेकिन हर कहानी सिर्फ हीरो के दम पे थोड़ी चलती है, जरूरत होती है एक ऐसे कैरेक्टर की जो फिल्म के दूसरे तरफ बैठे हुए ऑडियंस की सांसों को कभी तेज तो कभी थोड़ा धीमा कर सके। इस काम में एक्सपर्ट माने जाते हैं रितेश देशमुख, जो अपने नाम के पहले विलन काफी सालों पहले ही लिखवा चुके हैं। फिल्म की कहानी इस बार टाइगर और रितेश के स्पेशल बॉन्ड के इर्द गिर्द लिखी गई है, जिसमें दो भाइयों के रिलेशनशिप को फोकस में डालते हुए एक रिबेल यानी बागी को हमारे सामने रखा जाएगा, जो अपने परिवार पे उंगली उठाने वालों को सीधा नरक के दर्शन करा देता है। अब ये तो बातें हो गई कि फिल्म किस बारे में है, लेकिन ट्रेलर कैसा है वो तो अभी बाकी है। तो यार, आसान भाषा में बोलूं तो बागी 3 के ट्रेलर को ऑस्कर जरूर मिलना चाहिए, वो भी एक नहीं 3-4 मिलने चाहिए। पहला श्रद्धा कपूर के आत्मा को कष्ट पहुंचाने वाले बिना सर पैर के डायलॉग्स के लिए, जिसमें गालियों और बेवकूफी का कॉकटेल देखने को मिलेगा। लेकिन इसका मीनिंग ढूंढने की कोशिश बिल्कुल मत करना, वरना डिक्शनरी भी आपके सामने खुद सुसाइड कर लेगी। दूसरा ऑस्कर मिलेगा फिल्म में डाले गए काफी ज्यादा खतरनाक स्पेशल इफेक्ट्स के लिए, जो असलियत से काफी ऊपर है। हॉलीवुड वाले तो हाथ जोड़कर बागी के सामने जमीन पर लेट जाएंगे, अरे चमत्कार का असली मतलब तो यही होता है। तीसरा ऑस्कर मिलने वाला है टाइगर श्रॉफ की काफी बेहतरीन एक्टिंग के लिए, जो आपको इमोशनल डायलॉग्स के अंदर भी गुदगुदाने की ताकत रखते हैं। नहीं मतलब बॉडी है, स्टारडम है, एक्शन भी है, थोड़ा सा एक्टिंग मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। इन सब बातों को साइड में रखते हुए ट्रेलर में डाले गए एक्शन सीक्वेंसेस कमाल के हैं और बॉलीवुड के लेवल को काफी ऊंचा करने वाले हैं। थोड़ी बहुत झलक टाइगर जिंदा है जैसी फिल्म की देखने को मिलती है, लेकिन टाइगर श्रॉफ उसको अपने हिसाब से ढालने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन मैं पर्सनली सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ उन एक्टर्स के लिए जो अपने टैलेंट के दम पर बड़े बड़े स्टार्स को भी फीका साबित कर देते हैं। गली बॉय वाले विजय वर्मा थोड़ी देर के लिए नजर आते हैं, तो कमांडो के सुपर विलन की परछाई भी ट्रेलर में नजर आती है। बाकी फिल्म का कॉन्सेप्ट वही पुराना है, एक बंदा है जो 100,000,00,000 और करोड़ों को मिट्टी में मिला देता है और लास्ट में कहानी का असली हीरो बनकर बाहर निकलता है। लेकिन फिल्म से कहानी की एक्सपेक्टेशन वैसे भी ज्यादा नहीं लगा सकते, क्योंकि बागी 3 एक मास मूवी है और इसका काम है लोगों को एंटरटेन करना, ना कि फ्रेश कंटेंट देना। वैसे भी बॉलीवुड काफी महान है, ज्यादा तारीफ इनको पचती नहीं है। तो बस इंतजार करिए अगले महीने का, जब 6 मार्च को टाइगर आपके पास वाले थिएटर में एक्शन करने के लिए हाजिर हो जाएंगे। इस बार वो सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर वगैरह को भी उठा उठा के पटकने वाले हैं। आप उनसे थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि हॉस्पिटल वगैरह का खर्चा काफी ज्यादा आता है। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।